कल मुई तेरे पे बर्तन धोए अभी, और इन्हें कौन धोएगा? तेरा बाप धोएगा ही ना। सारे दिन बैठी रहे ऐसी। मम्मी जी आज मेरी तबीयत खराब है, मेरे सारे शरीर में दर्द है, आप कपड़े यहाँ रख दो, मैं धीरे धीरे सारा काम कर लूंगी। तुझे खाने को तो इतना चाहिए, खा खा के हो रही गुस्से सी। देख रही झाड़ दू, मेरे से जबान लड़ा रही है, इस झाड़ू से तेरे हाथ पांव तोड़ दूंगी, एक बाल्टी भर के ऊपर पहुंचा दे, मुझे नहाना भी है। मम्मी जी आज नीचे ही नहा लो, बुखार की वजह से मेरा सारा शरीर दुख रहा है। मैं तारूंगी तेरा बुखार आज। मम्मी जी मैं पानी ऊपर पहुंचा दूंगी। ये कपड़े भी धो, बर्तन भी मांज, और मेरा पानी चल ऊपर पहुंचा इसे, पानी को भर, पानी हराम का मिल रहा ना तुझे, बड़े बड़े खाने के लिए काम कर, चल था। काम करने में तो बहुत जोर पड़ा है ना। कलमू ही खड़ी हो, तेरे घर का नाश कर रखा, खड़ी हो। राखी खड़ी हो। अरे मम्मी इस बेचारी का तो बहुत तेज बुखार हो रहा है। अच्छा बड़ी तरफदारी ले रहा तू, तो इसके काम का इसकी महतारी करेगी? मम्मी इतना जुर्म करना ठीक नहीं है, जब तुम मेरे सामने इतना जुर्म कर रही हो, मेरे पीछे कितना जुर्म करती होंगी। अच्छा जिस मारो तेरे 9 महीने पेट में रखा, पैदा करा, पाला पोसा है, वो तेरे लिए कुछ ना रही, और ये कल मुही 2 दिन की आई के यू तेरे लिए सब कुछ होगी। और रूबी के पापा सुनते ना हो तो नहीं कुआओ। अरे क्या बात होगी, क्या मामला आयो? देख लो अपने लाल को, मैं इससे काम करने कह रही हूँ तो इसकी होड़ ओढ़ ले रहा, और मेरे से उल्टा सीधा बोल रहा है। पिताजी मैं तो बस इतना कह रहा हूँ कि राखी को बुखार हो रहा है। अर्थी क्या झूठ और बोल रहा, काम का इसका यहाँ बाप करेगा, और इसके बाप ने मैं दहेज में दिया ही क्या है जो हम इसे पालने में झुला में। अरे झूठ क्या है सुमा, ठीक ही तो कह रही है, यूं मेरे आया साहब मेरे गले में डाल दिया। तो पिताजी इसमें से क्या गलती है? चलो राखी तुम आराम करो। बहुत बोल रहा। राखी अब तुम कपड़े चेंज करके आराम करो, काम तो बाद में भी हो जाएगा। और हाँ आज मेरी ड्यूटी ज्वाइन हो रही है, अपना ख्याल रखना। ओहो महारानी आराम फरमा रही हो, एक बात कान खोल के सुन ले तू मेरी, जब तक तेरा बाप 5 लाख रुपए न देते हमारे, जब तक तू हमारे घर में नौकरानी बनकर रहेगी। चल खड़ी खड़ी। मम्मी जी विद्या, अरे पानी लाइए भाई। ला रही हूँ जी। क्या बात है विद्या, तेरी आंखों में आंसू, क्या बात होगी? अरे क्यों रो रही है भाई, क्या बात हो, कुछ तो बता। मुझे अपने हकी के पुत्र याद आ रही। और तुझे रोने की क्या बात है? मुझे सपने में दिखाई दिया कि मेरी राखी बहुत परेशान है। मम्मी क्यों रो रहे हो? पिताजी मम्मी क्यों रो रही है? अरे बेटा दीपक कोई बात ना है, इसे राखी की याद आ रही है। राखी की तो याद मुझे बहुत आवे। अरे यार तुमने तो मेरा मन भी थोड़ा कर दिया, तुम चिंता मत करो, मैं अभी जा रहा हूँ और राखी का पता लेकर आऊंगा, वो ठीक ठाक होएगी। ठाकुर साहब राम राम। मनहूस खाली हाथ चलाया, तुझे इतनी व्यतल नहीं, बेटी के यहाँ खाली हाथ नहीं आना चाहिए, और तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ खाली हाथ आने? बेशरम, शरम तो तेरा रही ना, खाली हाथ चलाया, अगर थोड़ी बहुत शरम बची है ना तो चुल्लू भर पानी में डूब मर। ठाकुर साहब मैं अपनी बेटी से मिलने आया हूँ, मुझे एक बार राखी से मिलवा दो। हमने कदम न करी तेरी बेटी से मिलने को, 5 लाख रुपए दे दर मिल ले। सबनंद जी
मैं आपके 5 लाख रुपए बहुत जल्दी दे दूंगा। ठीक है, जब रुपए नहीं आएगा तब मिल लेना। रुक, तुझसे मना करी ना, बाहर ना आइए, अंदर रहिए। मेरी फूल सी बच्ची, मुझे लपस करो, छोड़ दो इसे, मैं तुम्हारा हाथ छोड़ता हूँ, छोड़ दो, छोड़ दो मेरी बेटी को, चल निकल, निकल यहाँ से, ओ यहाँ से खाली हाथ मत आना, बेटी, 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 निकल यहाँ से, बेटी, हाँ जी आ गए आप। हाँ जी, कैसी है मेरी राखी, बताओ ना, आप कुछ बोल क्यों नहीं रही है? विद्या, उन्होंने मेरी बेटी से मुझे मिलने ना दिया। हमारी राखी वहां बहुत दुखी है, बहुत दुखी है बेचारी। किसे ठीक कहा कि बड़े घर में कभी रिश्ता नहीं करना चाहिए, और जिस घर में लुगाई की गलती हो ना वहां तो बिल्कुल ना करना चाहिए। मेरी राखी ठीक है ना? पर विद्या तू चिंता मत कर, तू चिंता मत कर, मैं इस घर को बेच दूंगा और उनका दहेज पूरा करूंगा, मैं अपनी बेटी को खुश रखूंगा। पिताजी आप ठीक कर रहे हो, हम इस घर को बेच देंगे, झोपड़ी में रह लेंगे, कम से कम मेरी बहन तो खुश रहेगी। और हाँ पिताजी, मैं कल से कॉलेज जाना बंद कर दूंगा, मैं भी मेहनत मजदूरी करूंगा और ठाकुर का दहेज दूंगा। हाँ भाई, तू आज ही आया? आज ही, आज ही आया। ध्यान से करिए काम, कोई नुकसान ना कर दिया। हमारी राखी वहां बहुत दुखी है, मैं अपने माँ बाप की आंखों में आंसू नहीं देख सकता। अरे दीपक, तुम घर नहीं गए अभी तक, चलो जाके खाना वाना खा लो घर पे। चौधरी साहब, मुझे मेरी बहन के लिए दही जमा करना है और अब तो आराम हराम है। अरे इस शरीर को भी आराम की जरूरत पड़े भाई, घर जाकर आराम कर ले जा। ठीक है।
विद्या, अब रोने से क्या फायदा है, बोलू कौन डाल सके। रागी के पापा, हम तो रागी की ओर से बहुत परेशान थे, लेकिन हमारे दीपू को भी कुछ पता नहीं कहा। अरे रो मत पगली, जो हमारे नसीब में लिखा वो दुख तो हमें झेलने पड़ेगा, सब्र रख, वो ऊपर वाला तब पता दिल नहीं है, सब ठीक हो जाए। हाँ जी, एक बार मेरी राखी के जाके कबर ले लो, कैसी है। ठीक है विद्या, मैं आज ही जाऊंगा अपनी बेटी का पता लेकर आऊंगा। न जाने मेरी बच्ची किस हाल में होगी। ठाकुर साहब नमस्ते। नमस्ते के बच्चे, 5 लाख रुपए का इंतजाम हो गया। ठाकुर साहब मैं बर्बाद हो गया, मेरा बेटा दीपक 1 महीना होगा, उसका पता ना कुछ भी। बेटा चला गया था, कौन सी आफत आ गई, हमें इस बात से कोई मतलब ना है, हमें चाहिए 5 लाख का दहेज। और जब दहेज तेरे देना पसकी ना हा तो क्यों करी तेना भी लोनिया की शादी, भगा देता किसी के साथ, हमें खाली 5 हजार का दहेज देता है। और नहीं तो सुन ले मेरी बात, तेरी बेटी की है ना वो हालत करूंगी कि तू सपने में सोच ना पाएगा। पापा भैया यहाँ कैसा ही, तो भैया कहीं गया एकदम मरा तो ना है, और हमें अपने 5 लाख के दहेज का मतलब है, बस 5 लाख के दहेज से। ठाकुर साहब मेरी बेटी को इतना पसंद था, बेटी तो आपकी है। हमारी बेटी के बारे में कुछ मत बोल दिए, हमने अपनी बेटी को 1 गाड़ी और 20 लाख का कैश नगद दिया। ठाकुर साहब मेरी इज्जत रख लो, मैं इतना नहीं दे सकता। बेटा बस ठाकुर साहब, मैं तो गिरफ्तार करने आया हूँ। पंकज, एक बेटा अपने बाप को गिरफ्तार करेगा? एक बेटा नहीं, एक पुलिस इंस्पेक्टर, और तुमको दहेज मांगने के जुर्म में मैं गिरफ्तार करता हूँ। तू अपने पापा को गिरफ्तार करेगा? ए बुढ़िया चुप रहे, तेरे वारंट भी आने वाले हैं। क्यों बेटा, मुझे सच में जेल जाना पड़ेगा? तुम्हें ही नहीं, इन्हें भी जेल जाना पड़ेगा। तुम्हें पता है दहेज लेना देना कितना बड़ा जुर्म है? अरे जिसने अपनी बेटी दे दी, जिसने अपने जिगर का टुकड़ा दे दिया, उसने अपने सब कुछ दे दिया, पर ये दहेज की आवाज कभी किसी खत्म नहीं होती। बेटा तूने मेरी आँख खोली, मैं पैसे के लालच में पागल हो गया था। समधी साहब मुझे माफ कर दो, मैं सच में बहुत गिर गया था, आज मेरे बेटे ने मेरी आँख खोल दी। ठाकुर साहब आप हाथ मत जोड़िए, आप बेटे वाले। भले ही हम बेटे वाले, पर महान तो बेटी वाला हो जो अपने सीने पर पत्थर रख के अपनी बेटी को दूसरे घर देता है। अच्छा समधी साहब, मेरे घर का ख्याल भी रखना, चल बेटा ले चल। कहाँ? जेल में। पापा ये सब नाटक था तुम दोनों को सुधारने के लिए, और हम भी दूसरे की बेटी को अपनी बेटी माननी चाहिए। राखी बेटा यहाँ, बेटा मुझे तू माफ कर दे, ये जो कुछ हुआ ना ये सब मेरी वजह से हुआ। नहीं मम्मी जी, मैं तो आपके चरणों की धूल हूँ। बेटा खड़ी हो, तेरी जगह हमारे चरणों में ना हमारे दिल में। आओ सबके साथ गले लग जाओ। पापा बस पापा चुप हो जाओ। पापा भैया दीपक आ जा यार ऊपर। और हाँ इस नाटक में दीपक मेरे साथ था। क्या? हाँ जिस दिन ये चक्कर खा गिर गया था इस समय मेरे साथ ले गया था।
अंत भला तो सब भला। भाइयों, ये दहेज नाम की बीमारी अच्छे अच्छे पढ़े लिखों को राक्षस बना देती है। अब फैसला आपके हाथ है, आपको क्या बनना है, दानव या मानव?